फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग फोन 2A+ एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले मोबाइल फोन का सिम कार्ड आपको मोबाइल से बाहर निकालना है और सिम कार्ड को सिम ट्रे पे दोबारा से अच्छे से लगाना है और फोन के अंदर दोबारा से लगा देना है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको ये नेटवर्क एंड इंटरनेट का ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये सिम का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे की साइड ये प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पे सेलेक्ट करना है। अब इसमें आपको ये 5G का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके नीचे आना है और यहाँ पर आपको ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नेटवर्क के सामने वाला ये बटन आपको हमेशा ऑन रखना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। इसके लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा रीसेट मोबाइल नेटवर्क, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये रीसेट मोबाइल नेटवर्क सेटिंग आपको टैप करनी है। अब यहाँ पे आपको रीसेट सेटिंग का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको मोबाइल फोन का स्क्रीन लॉक एंटर करना है। इसके बाद आपको राइट क्लिक करना है तो आपको अगले पेज में रीसेट सेटिंग का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ जाता है नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आपको नेटवर्क सेटिंग को भी एक बार रीसेट कर देना है। तो दोस्तों, मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपके मोबाइल फोन की नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।